हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि सोनार क्यू का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन एंगुलर के साथ कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, उसका रिकैप मैं दे देता हूं। हमने सोनार क्यू इंस्टॉल किया था और इंस्टॉल का प्रोसेस जो था, सबसे पहले डाउनलोड करना है आपको, एक्सट्रैक्ट करना है उसको फिर प्रोग्राम फाइल्स में डाल के, और उसका जो पाथ है वो आपको सेट करना है, और आपको स्टार्ट सोनार फाइल जो है, स्टार्ट सोनार कमांड को रन करना है। आज हम देखेंगे, हम ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वीएस कोड मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन एज एडमिन कर लेता हूँ ताकि कोई परमिशन का इशू ना आए। और तब तक मैं प्रोजेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी गिटहब पे है, ठीक है। तो ये है गिटहब, ठीक है, और यहाँ पे आपको लेजी प्रो करके ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, एंगुलर का पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। सो इंस्टॉल इट, आई थिंक ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। ओके सो ये इंस्टॉल हो गया है, अदरवाइज एडिट का मैसेज यहाँ पे आ जाता अगर इंस्टॉल नहीं रहता तो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए एक आपको प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाना पड़ेगा, वो आप इस नाम से बना सकते हो, सोनार हाइपन प्रोजेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज़, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो और एक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल ऐड किया है, फाइल पूरा नाम दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये जो फाइल बनाना है आपको रूट डायरेक्टरी में बनाना है, आप देख सकते हैं रूट डायरेक्टरी में बना हुआ है, ठीक है। मतलब आपको SRC के बाहर बनाना है सिंपल। तो सोनार हाइपन प्रोजेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंशन सेम होना चाहिए, नाम भी अगर सेम रखो तो ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ पे आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना होता है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो जब आप अपना डैशबोर्ड रन करोगे सोनार क्यूब का, मैं रन कर लेता हूँ एक बार। रन हो रहा है, इट स्टार्टिंग, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकते हो कि अपने सोनार क्यूब को जो है, आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लो और फिर आप सर्वर स्टार्ट कर लो। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आया था, तो मैंने इसको इस तरीके से रिजॉल्व किया है कि मतलब सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया था, और मुझे जो इशू आ रहा था वो स्पेस की वजह से आ रहा था, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था। और जब आप सोनार क्यूब को रन करोगे तो एटलीस्ट आई थिंक 4 GB के आसपास इसको रैम ऐसा कुछ चाहिए होता है, मैक्स ये साइज़ है। और कभी कभी मतलब फर्स्ट टाइम में ये इतना साइज़ ले सकता है। सो वेट करते हैं एक बार ये स्टार्ट हो जाए और ये रन हो जाए यहाँ पे, लोकल होस्ट 9000, तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे का जो प्रोसेस है हमारा। तब तक के लिए मैं वेट करता हूँ। देख सकते हो कि हमारा सोनार क्यूब सर्वर अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप एडमिन देके और जो भी आपने पासवर्ड चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग देके और आप स्टार्ट कर सकते हो सर्वर को, ठीक है। सो लॉगिन एंड आप देख सकते हो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसका ही कॉन्फ़िगरेशन हम उठा लेते हैं, या फिर हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके सो लेट्स क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट, लोकल प्रोजेक्ट, लेट्स गिव नेम एज लेजी प्रो, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का भी नाम हमारे रेपो का भी नाम सिमिलर है, सो लेजी प्रो दे सकते हैं, लेजी प्रो। और मेन ब्रांच यूज ग्लोबल सेटिंग्स, डन, ठीक है। लोकली लेट्स क्रिएट 1 टोकन, जनरेट, ओके। तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोकन है। और हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में जाके सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का की चेंज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का की क्या है आपका, लेजी प्रो, तो प्रो वन में हटाऊंगा, ये भी हटाऊंगा। तो प्रोजेक्ट की जो आपको देना है जब आप प्रोजेक्ट कन्फिगर करोगे सोनार क्यूब के पोर्टल पे, तो वहाँ से देना है। प्रोजेक्ट वर्जन आप दे सकते हो, अगर ये
मतलब जो भी वर्जन उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो, जैसे फर्स्ट वर्जन है तो 1.0 दे दो, आपने कोई नॉर्मल चेंजेस किया है तो 1.0.1 ऐसे करके दे सकते हो। SRC आपका हो गया जहाँ पे आपका पूरा कोड पड़ा हुआ है। TS फाइल, अभी के लिए हम सिर्फ TS फाइल का कोड कवरेज चेक करेंगे, HTML का नहीं चेक कर रहे, ठीक है। और ये पोर्ट देना, ये आपको URL देना है जहाँ पे आपका SonarQube रन हो रहा है। अगर आपने पोर्ट चेंज किया हो डिफॉल्ट पोर्ट से तो यहाँ पे चेंज कर दो। और ये आपका टोकन, तो आप ये टोकन और ये ब्रांच है, ये शायद कम्युनिटी वर्जन में नहीं चलता है, बट लेट्स सी, हम ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या। तो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, ओके, तो बस हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें स्कैन करना है यूजिंग दिस, जो भी हमने इंस्टॉलेशन किया है ये सोनार, ठीक है। सोनार स्कैनर क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट में जाएगा, जो सोनार प्रॉपर्टीज़ वाले जो फाइल होंगे उसको रीड कर स्टार्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसने कैसे स्टार्ट किया, मतलब स्कैनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मेन फाइल है, जो इनका मेन फाइल है, वहाँ पे गया, वहाँ से इन पे कॉन्फ़िगरेशन उठाया, फिर जो हमारा इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इस फाइल को इसने उठा के और जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चाहिए था वो दे दिया, ठीक है। और जो भी प्लगइन्स चाहिए था वो इसने लोड किए हैं। प्लगइन्स लोड करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्रांच नेम, ब्रांच नेम ओके, तो कुछ यहाँ पे वार्निंग मैसेज दिया है, सॉरी, तो ब्रांच नेम के लिए कुछ तो दिया है, टू यूज़ प्रॉपर्टी ब्रांच नेम, एनालाइज ब्रांच, डेवलपर एडिशन, द डेवलपर एडिशन हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, री रन कर, ऑलरेडी रनिंग मोड में था, वेट कर रहा था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्ट सेटिंग्स लोड किया है इसने, लेजी प्रो करके जो की था लोड कर दिया है। लोड करने के बाद आप देख सकते हो 17 फाइल इंडेक्स हो चुका है, मतलब 17 फाइल्स को इसने इसमें से रीड किया। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत सारे टी फाइल्स इंडेक्स किया है। अब स्कैन करेगा इन सबको, बट यहाँ पे कुछ तो है, ये जीरो क्यों बता रहा है, आई डोंट नो, चेक करेंगे इसको, ठीक है, ओके, 9 सोर्स फाइल, हाँ ठीक है, 9 सोर्स फाइल इसने उठा लिया है, 9 to 9 एनालाइज, ओके, डन, नॉट टेस्ट इज नॉट चेक, ओके, नो वरीज, जैसे ऑप्शनल है अभी के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो टेस्ट है ये ऑलरेडी एनालाइज हो चुका है, एनालाइज सक्सेसफुल। इसको एक बार चेक करते हैं, आई कॉपी इट और इधर जाके ओपन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू में क्या दिखा रहा है, हमारा क्वालिटी पास हो चुका है, क्वालिटी गेंस पास हो चुका है, बट कोड कवरेज अगर आप देखोगे इट्स स्टिल 0.0, दैट्स नॉट गुड। एंड 6 ओपन इशूज़ हैं, ओपन इशूज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एम्प्टी सोर्स क्या है, एक बार देखते हैं। तो ये दिखा रहा है कि मतलब ये CSS फाइल जो है, CSS फाइल है, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्टी है तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो अभी आपको कितना दिखा रहा है, ये ये दिखा रहा है ना, मैं इसको चेंज करके फिर इसका स्कैन करूँगा, देखना कम जाएगा, कौन सा फाइल था, ऐप कंपोनेंट्स, इसके अंदर ये वाला फाइल है, ठीक है, ये देखो एम्प्टी। ये बहुत सारे सेटअप रूल्स हैं, वो रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कोड कवरेज जो है तो रिपोर्ट है वो और अच्छा। डिलीट कर दिया अभी मैं फिर से इसका, तो इस टाइम पे वो जो 6 था, जो काउंट यहाँ पे 6 था आपका, यहाँ पे 5+1 जो 6 था, सॉरी यहाँ पे जो 6 इशूज थे ये भी 5 होने, जैसे ही हमारा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कोड कवरेज में आप चेक करो, सॉर्ट आउट करो, अचीव करो 80% 85%, फिर आप अपना कोड कमिट कर सकते हो। वन मिनट ऐसा कुछ लेता है,
ये ऐसा कुछ 1 मिनट लेगा आपका, ठीक है, 1 मिनट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो एनालिसिस इज सक्सेसफुल, ओके, सो लेट मी रिफ्रेश दिस। तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके, लेट मी गो हियर, रिफ्रेश, सी 5 ओपन इशूज जो पहले वाले थे वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, और जितने भी आ रहे हैं सबको आप देखिए और उसको रिजॉल्व करते जाइए, ठीक है। इसकी इसका जो वो है वो दिखाता रहेगा कि इधर मीडियम, मतलब क्या है इसका लेवल, क्या है, मतलब बहुत ही हाई लेवल है, मीडियम लेवल है, सब देख के आप कर सकते हो सॉर्ट आउट। तो एक कुछ छोटा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया, अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानना है तो वो भी मैं बता सकता हूँ, बस आप कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द ब्रेक।